विस स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल, सेकंड बी स्क्वायर फाइल, सी ऑप्शन है डेड नॉट फाइल, डी ऑप्शन है स्विस पैटर्न फाइल। इसका राइट आंसर पिलर फाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट्स? स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? ए ऑप्शन स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, बी ऑप्शन अच्छी दिखावट के लिए, सी ऑप्शन नट का वजन कम करने के लिए, डी ऑप्शन आसान से हटाने और फिट करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। स्लॉटेड कैसल नट में जो स्लॉट कटे होते हैं उसमें स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए जो स्लॉट कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिमिट गेज? इस लिमिट गेज का नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए प्लेन रिंग गेज, बी टेपर रिंग गेज, सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डी डबल एंडेड प्लग गेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन ए रिंग गेज, ऑप्शन बी प्लग गेज, ऑप्शन सी टेपर रिंग गेज, ऑप्शन डी टेपर प्लग गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा रिंग गेज, ऑप्शन ए रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर, विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट्स? मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलर गेज। जो दो पार्ट्सों के बीच में गैप को चेक किया जाता है वो फिलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज? स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है? तो ए वैक्स या मोम, बी कोरोशीन मिट्टी का तेल, सी सोलोएबल ऑयल घुलनशील तेल, डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? ए ऑप्शन ऑयल तेल, बी ऑप्शन कोरोशीन मिट्टी का तेल, सी ऑप्शन कूलेंट ऑयल, डी ऑप्शन पेट्रोलियम जेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मिट्टी का तेल, कोरोसिन। नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट? स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन ऑयल तेल, बी ऑप्शन वैक्स मोम, सी ऑप्शन कोरोशीन मिट्टी का तेल, डी ऑप्शन पेट्रोलियम जेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीडर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज टू पोर्टिकल पार्टिकुलर डायमेंशन? विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? ए ऑप्शन
सबसे बड़ा स्लिप गेज के साथ विनिंग शुरू करें। बी ऑप्शन ब्लॉक की अधिकतम संख्या। सी ऑप्शन ग्रेड जीरो एक्यूरेसी के साथ निर्मित। डी ऑप्शन छोटी स्लिप गेज से विनिंग शुरू करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे बड़ा स्लिप गेज के साथ विनिंग शुरू। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का नाम क्या है। ए प्लेन गेज, प्लेन स्नैप गेज, बी थ्रेड स्नैप गेज, सी थ्रेड पिच गेज, डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। ए फाइलिंग, बी टर्निंग, सी ग्राइंडिंग, डी लैपिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लैपिंग। लैपिंग का जो प्रक्रिया होता है उसका जो डायमेंशन एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द एब्रेसिव यूज्ड ऑफ लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स, किस अपघर्षण एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी हीरा डायमंड, सी बोरोन कार्बाइड, डी फ्यूज्ड एलुमिना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फ्यूज्ड एलुमिना। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाई ग्रूव्स आर प्रोवाइडेड द ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। ए विस्तार की अनुमति देने के लिए, बी क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, सी अपघर्षण को बनाए रखने के लिए, डी मामूली समायोजन अनुमति देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपघर्षण को बनाए रखने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ए नाइट्राइडिंग, बी पैक कार्बोराइजिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग, डी इंडक्शन हार्डनिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी पैक कार्बोराइजिंग। ये जो फिगर है पैक कार्बोराइजिंग का फिगर है, इससे आप पहचान सकते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ए नाइट्राइडिंग, बी केस हार्डनिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग, डी इंडक्शन हार्डनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फ्लेम हार्डनिंग। इसमें आग जल रही है, इससे आप इस ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं फ्लेम हार्डनिंग। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डनेड स्टील टू टेम्परेचर बिलो 420 डिग्री सेल्सियस फॉल्ड बाई कूलिंग, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। ए एनिलिंग,
बी हार्डनिंग, सी टेम्परिंग, डी नॉर्मलाइजिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। जो टेम्परिंग का प्रोसेस होता है, टेम्परिंग में क्या करते हैं, किसी भी जैसे लोहा हो गया उसको गर्म कर 400 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं, उस कठोरी या स्टील को पूरा गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। इस क्रिया को टेम्परिंग कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, सी ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, डी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनीलिंग इन स्टील, स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है। ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी टू इंक्रीज वियर रेसिस्टेंस घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, सी आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, डी स्टील की क्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, इस की का नाम क्या है। ए संघ की, बी फेदर की, सी फ्लैट सैडल की, डी होलो सैडल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये जो फिगर है ये फेदर की का फिगर। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की, कुंजी का उद्देश्य क्या है। ए टार्क को संचारित करने के लिए, बी असेंबली के कार्य के लिए, सी असेंबली भाग को लॉक करना, डी मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस प्रदान करना। तो जो की होता है उसका कार्य टार्क को संचारित करने के लिए होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट।